गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स सेशन। सो नाउ टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग के बेस्ड। दैट मींस हम जो आज एग्जांपल करेंगे वो रहेंगे एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और उसमें अब क्या करना है क्या नहीं एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद उसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। उसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, एक ही कंसेप्ट के ऊपर सब कुछ है। अगर कंसेप्ट की बात करूं तो उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, दैट मीन्स मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसके अंदर एक बार रिवाइज कर ले हम सब कुछ। ये सेम हमने मतलब आगे ग्राफ वगैरह सब कुछ इसका बेसिक जो है वो क्लास 11 में किया हुआ है। पर अगर इसके अंदर बात करूं मैं तो हमें मतलब इसके जो एग्जाम्पल आने वाले हैं वो एग्जाम्पल हो गए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। उसमें क्या करना है, तो आपको जो मैक्सिमाइज या जो मिनिमाइज करना है उस चीज को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपको खास ध्यान रखना है। और जो कंडीशंस मतलब जो कंस्ट्रेंट दी होगी, कंस्ट्रेंट या कंडीशन, ओके, कंडीशंस दो जो दी होगी, कंडीशन और कंस्ट्रेंट, ये जो आपको दी होगी वो एक इनइक्वालिटीज होगी। वो क्या होगा, एक इनइक्वालिटीज, अलग अलग आपको कंडीशंस दी होगी इनइक्वालिटी बना के, जिसका यूज करके हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद उसके ऊपर से आगे हम काम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी होगी जो आपको याद रखना है, कि जिसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, और जो कंडीशन दैट मीन्स कंस्ट्रेंट दी होगी वो एक इनइक्वालिटीज मतलब कुछ इनइक्वालिटीज होगी। ये दो आपको ध्यान रखना है। तब आपके पास यहाँ पर दो टाइप के प्रॉब्लम है इसके अंदर, मतलब आपके पास जो कंडीशंस दी है उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना रहेगा आपको। तो अच्छे से ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करेंगे उसको, पर हम अभी हमारे पास वो है नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको रेंडमली प्लॉट करके बताऊंगा, बट आप जब जो कर रहे हो तो ग्राफ पेपर पे ही कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बेस्ड ऑन ये जो कंडीशंस दी हुई है, इस कंडीशन के बेस पे जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमें दो टाइप के ग्राफ मतलब जो रीजन मिलेगा जिससे वो बाउंड हो रहा है, उस रीजन को हम बोलेंगे फिजिबल रीजन, ओके। अब फिजिबल रीजन जो होगा वो दो टाइप का होगा, ओके। तो हमारे पास जो भी यहाँ पर फिजिबल रीजन है, कहाँ गया, वन सेकेंड, फिजिबल रीजन, यस ये रहा हमारा, ओके। फिजिबल रीजन जो है ये जो रीजन है वो दो टाइप का रहेगा, या तो वो बाउंडेड होगा या तो वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। अगर वो बाउंडेड हुआ और तो उसमें क्या हम करेंगे, और अगर अनबाउंडेड हुआ तो हम क्या करेंगे। तो वी हैव टू टू काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी रहेगी हमारे पास। तो आपको क्या करना है, वो बाउंडेड है तो क्या करना है और अनबाउंडेड है तो क्या करना है। तो दोनों के लिए हमारा स्टेप नंबर वन फिक्स रहेगा, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, प्लॉट द इनइक्वालिटीज सेम, यहां पर भी वही चीज करेंगे हम। प्लॉट करने के बाद हम जो कॉमन रीजन होगा उसको सेड करेंगे, तो सेड रिक्वायर्ड रीजन ऐसा लिखूंगा मैं, सेड रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी होगी पूरी की पूरी, तो हमारा नंबर वन फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। अगर रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है कुछ भी है, मतलब ये ड्रॉ करने के बाद ही हमें पता चलेगा, स्टेप वन के बाद हमें पता चलेगा कि रीजन बाउंडेड या अनबाउंडेड, तो दोनों के लिए ये स्टेप तो कॉमन रहेगा। सेकेंड क्या करना है, तो आपको करना है मार्क द कॉर्नर पॉइंट, मार्क द कॉर्नर पॉइंट्स, ओके। दैट मींस कॉर्नर पॉइंट्स मतलब क्या, तो कॉर्नर पॉइंट मतलब जो हमारा वर्टेक्स रहेगी, क्या होगा, वर्टेक्स,
ओके, उसको हमें क्या करना है, मार्क करने के, कौन से पॉइंट हमारे कॉर्नर है, जो अभी हमारा रीजन, फिजिबल रीजन जो है उसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, वो हमें मार्क करना है, ठीक है। या तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। तो ये भी काम यहां पर करना है, तो सेम मैं आप लिख देता हूं कि दोनों में सेम ही रहेगा। थर्ड पार्ट क्या रहेगा, तो थर्ड पार्ट में आपको टेबल बनाना है। टेबल में क्या लिखेंगे, तो यहां पर हमारा होगा कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पर हमारे पास जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, मतलब यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, मतलब वो कौन से फॉर्म में होता है, तो वो ऑलवेज होता है ये फॉर्म में, AX+BY फॉर्म में होता है, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जिसका हमें मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना होगा, ठीक है। ये टेबल बनाएंगे, तो सेम थर्ड में भी हम वही चीज करेंगे, ओके। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमें पता चला कि रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो भी हमें सेकेंड एंड थर्ड स्टेप दोनों में कंपलसरी करना है, ओके। अब यहां पर क्या कर रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो वर्टेक्स आपके पास अलग अलग आएंगे उसके लिए मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है, जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी वो, और उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो मिनिमम होगा वो मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों, तो हमें दोनों वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर सिर्फ मैक्सिमम पूछा है तो भी मिल जाएगी, और सिर्फ मिनिमम पूछा है तो भी मिल जाएगी, तो वो बाउंडेड के लिए हमारा काम खत्म हो गया। बाउंडेड में ज्यादा और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, तो ये काम खत्म। पर अगर अनबाउंडेड हुआ रीजन, तो ये टेबल के बाद क्या, टेबल के बाद क्या क्या मुझे जो मिलेगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम, नहीं। तो इसके लिए आपको एक स्टेप नंबर 4 ऐड करना है, वो मैं आपको अच्छे से अलग यहां पर समझा रहा हूं, कि इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अगर ये अनबाउंडेड है तो आपको ये स्टेप करना है, क्या करना है, तो आपको जो भी आपकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिले उसके ऊपर से हमें काम करना है, और वो क्या काम करना है, ऐसा कुछ करना है, ध्यान से। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसको तो मैं बोलूंगा कैपिटल M, तो आपको प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, तो ये AX+B जो मेरे पास था, जेड इज इक्वल टू AX+BY जो था, मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको जो दिया हुआ है वो, तो उसमें AX+BY इज ग्रेटर देन M, ये आपको प्लॉट करना। और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू के लिए बोला हुआ है और उसको मैं स्मॉल m बोलता हूं, तो प्लॉट करो AX+BY लेस देन स्मॉल m, ये करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको, मतलब अगर मैक्सिमम है तो ये प्लॉट करो, और अगर मिनिमम है तो ये प्लॉट करो, ओके। तो प्लॉटिंग करने के बाद कंक्लूजन क्या निकालना है आपको, तो कंक्लूजन आपका कुछ ऐसा निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, कि ये प्लॉट करने के बाद, ये प्लॉट करने के बाद अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नथिंग इज कॉमन, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में मतलब क्या, तो हमारा जो फिजिबल रीजन आया वो और ये जो मैंने प्लॉट किया वो, उस दोनों में, या कहाँ ड्रॉ करना है, तो जो हमने ऑलरेडी आगे प्लॉट किया स्टेप 1 में उसके अंदर ही ये ड्रॉ करना है, इसके लिए अलग से कोई ग्राफ नहीं बताना है, ठीक है, तो ही हमें पता चलेगा कि दोनों में कॉमन कुछ आया या नहीं आया। तो जो हमारा फिजिबल रीजन था स्टेप 1 के अंदर वो, और ये इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज इन कॉमन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो आपका एम होगा, मैक्सिमम होगा वो एम, अगर आपको मैक्सिमम पूछा है तो आंसर आपका एम, और अगर मिनिमम पूछा है तो आपका आंसर एम, स्मॉल एम, खत्म। पर अगर कुछ कॉमन में है, मतलब अगर समथिंग इज इन कॉमन, समथिंग इज कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन है, कोई भी पॉइंट्स कॉमन है, तो क्या करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। बस ये दो चीजें आपको खास याद रखनी है, ये कब आएगा, जब हमारा रीजन जो होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। तो ये मेन आपके पास कंसेप्ट है इस चैप्टर में, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बराबर। अब मेन क्या, कहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो है खास आपका ये स्टेप नंबर 1, कैसे हमें प्लॉट करना है, मार्क करने में कोई इश्यू नहीं रहेगा,
टेबल बनाने में भी कोई इश्यू रहता नहीं है, पर मेन है ये ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है, वो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ओके, तो वो थोड़ा ध्यान से आप ड्रॉ करिएगा, क्योंकि उसके लिए आप स्केल क्या लोगे, क्योंकि आपको उसके लिए वो पता तो होना चाहिए कि भाई जो आपको दिया हुआ है वो स्केल वगैरह है ना, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया उसका नहीं, पर हमें ध्यान रखना है कि इसका तो हमारे पास जो कंडीशंस है वो कंडीशन के ऊपर से हमें डिसाइड करना है कि मुझे स्केल क्या लेना है। अगर स्केल पता चल गया ठीक है, तो उसके बाद ग्राफ में कोई इश्यू रहता नहीं, तो बस वही मेन चीज है। तो हम वन बाय वन काम करना स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल दो तीन करेंगे ठीक है। चलो तो फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला हुआ है, सॉल्व दी एल पी पी, आपको एक दिया हुआ है ग्राफिकली, सॉल्व दी एल पी पी ग्राफिकली, ग्राफ्स आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके बताना है। ओके ग्राफिकली, ओके चलो ये बोला हुआ है। एंड मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज किसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, जेड इज इक्वल टू 400x+300y। ओके सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस यहां पर दी हुई है, x+y less equal to 200, सेकेंड है x less equal to 40, उसके बाद है x greater equal to 20 और है y greater equal to 0। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है और बोला है कि मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके इसको आपको मैक्सिमाइज करने की बात की है। अब ये सिलेबस के अंदर आपको सिंपली डायरेक्टली पूरे कोई भी एक्सरसाइज देखोगे तो आपको ऑलरेडी उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करके दिया हुआ है, मतलब देयर इज नो नीड टू फाइंड सच काइंड ऑफ फंक्शन, आपको कहीं से लाना नहीं है, वो ऑलरेडी आपको दिया होगा ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको बताया ये हमारा जो मैक्सिमाइज जिसको करना है हमें, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, z=400x+300y, इक्वेशन नंबर वन। और ये जो इनइक्वालिटीज आपको दी होगी वो हमारी कंडीशंस बन जाएगी, मतलब कंस्ट्रेंट हो जाएगी। तो यहां पर कंडीशंस आपको दी है x+y less equal to 200, x less equal to 40, x greater equal to 20 एंड y greater equal to 0। तो ये जो पूरा इनइक्वालिटी उसको मैं नंबर 2 बोल देता हूँ। अब हमें क्या करना है, तो ये नंबर 2 कंडीशंस जो है उसके ऊपर से प्लॉटिंग करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा प्लॉटिंग, तो पूरे पेज पे अच्छे से प्लॉट, फुल प्लॉटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। चलो ये मैंने यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया ठीक है। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, हाँ समझ लेना ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही है तो ये मेरा ओरिजिन 0 0 है ठीक है। अब यहाँ पर प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, प्लॉटिंग करने के लिए पहले देख लो मुझे क्या प्लॉट करना है। तो मुझे प्लॉट करना है लाइन, ये वाली लाइन x+y less equal to 200, मतलब मुझे स्केल क्या लेना पड़ेगा वो आपको थोड़ा सोच लेना है ठीक है। फिर मुझे ड्रॉ करना है x less equal to 40 एंड greater equal to 20, मतलब 20 40, मैं 20 20 का गैप यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ठीक है। चलो तो 20 20 के गैप से हम ड्रॉ करेंगे, तो 20 40 60 80 100, फिर से 120, ऐसे हमारे पास पूरा रहेगा। तो मैं थोड़ा इसको और एकदम स्मॉल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब ये करने जाएंगे तो थोड़ा और तो यहाँ पर मैं 20, तो पहले मैं क्या करता हूँ ये ड्रॉ कर लेता हूँ x greater equal to 20, मतलब क्या ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पर x=20 लाइन। तो x=20 लाइन मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी x=20, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मैंने ड्रॉ कर ली x=20। मुझे बोला है x=greater equal to 20, मतलब कौन सा पार्ट आएगा, अगर सोचने जाए तो x की वैल्यू बोली है greater equal to 20, मतलब 20 एंड 20 से बड़ी, मतलब ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सब हो जाएगा। यस अब आगे बढ़ते हैं ठीक है। चलो अब बोला हुआ है दूसरा क्या है, x less equal to 40, मतलब चलो यहाँ पर ये 20 है तो मैं 40 यहाँ पर ले ठीक है डबल। चलो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली 40 की, चलो ये हो गया मेरी x=40। पर उसमें क्या बोला हुआ है मुझे कि x is less equal to 40,
मतलब क्या, तो एक्स लेस इक्वल टू 40 मतलब 40 से कम वाला पार्ट मतलब कौन सा आएगा, ये लेफ्ट एज वाला पूरा 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 यही आएगा। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सबका कॉमन रीजन लेना है, दैट इज विजिबल रीजन। तो कॉमन क्या होगा, बोला है एक्स से बड़ा, एक्स इक्वल 20 से ग्रेटर और एक्स इक्वल 40 से स्मॉल, मतलब यही पार्ट आएगा कॉमन दोनों में। यस, तो हमारा कॉमन इन दोनों के बीच का रीजन ये मुझे मिल गया, ये ठीक है। चलो इतनी बात पता चल गई। अब तीसरा क्या बोला हुआ है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो मतलब सॉरी वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो वाई इज इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये मेरी क्या है वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन है ये, ठीक है। उससे ग्रेटर इक्वल टू मतलब कौन सा हुआ, एबो दी दिस एक्स लाइन, एबो दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट मतलब यही पार्ट होगा खाली, ठीक है। चलो और इन दोनों के बीच का मतलब यहां से लेके ये पूरा पार्ट यहां से कहीं भी जा सकता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है ऊपर तक। पर अभी चौथी कंडीशन बाकी है, फोर्थ कंडीशन क्या है, तो एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू 200 मतलब ये मेरे पास है कुछ ऐसा, ध्यान से देखिएगा, सॉरी पर ये पीछे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 200 लेके हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, जब भी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है कोई भी लाइन, सिंपल ये सबसे इजी तरीका है कि अगर मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी मतलब दो पॉइंट मुझे मिल जाएगा। और कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो करता हूँ, एक्स जीरो, तो उसके लिए मुझे वाई क्या मिल जाएगा 200, और अगर मैं वाई जीरो पुट करूंगा तो उसके लिए मुझे एक्स क्या मिल जाएगा 200। तो मुझे पॉइंट कौन से मिल गए, 0,200 एंड 200,0। तो आप 0,200 कहाँ पर आएगा, जब एक्स जीरो है वाई तो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। सपोज मैं यहाँ पर 200 सपोज कर लेता हूँ कि मेरा 200 है कहीं, ठीक है। तो और सिमिलर वे मेरा 200 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्राई करेंगे स्ट्रेट आए खे डन। चलो हो गया ये लाइन, ये लाइन हो गई हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 200, और ये जो पॉइंट था वो था हमारे पास 200,0, और ये जो पॉइंट है वो मेरे पास 0,200। सब पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 200, इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन से ये मतलब x plus y less equal to 200 है, मतलब 200 लाइन और उसके नीचे वाला पार्ट मतलब ये सभी पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट है ना, ओके। बट यहाँ पर ये पूरा नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास चार अलग अलग कंडीशंस हो गई। एक तो हुई y greater equal to 0 मतलब अपर हाफ हो गया, दूसरा बोला है x से x 20 से ग्रेटर और 40 से कम मतलब ये बीच वाला पार्ट हो गया, और इससे छोटा, तो सबका कॉमन रीजन ये मुझे मिला, और ये मेरा हो गया फिजिबल रीजन। तो जो रीजन आपको आपका प्रॉपर तो प्रॉब्लम के अंदर जो मिल रहा है उसको लास्ट में हाईलाइट कीजिएगा, बीच में हर एक को अलग अलग रीजन को हाईलाइट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो अच्छे से हाईलाइट कर दो। तो ये मुझे मेरा फिजिबल रीजन मिल गया, दिस इज माई फिजिबल रीजन, ठीक है। चलो तो एक काम डन। अब सेकेंड मैंने क्या बोला था, ग्राफ ड्रो करने के बाद, ग्राफ ड्रो हो जाए, शेड करो रिक्वायर्ड रीजन को, तो दोनों मतलब ये मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखो कि ये अनबाउंडेड बाउंड, तो यहां से ही पता चल जाएगा हमें। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि बाउंड हो रहा है यहां से, बाउंड हो रहा है यहां से, और बाउंड हो रहा है ये दो लाइन से, मतलब ये हो गया बाउंडेड। तो इट इज ऑब्जर्व दैट, सबसे पहले वाले सेंटेंस में ये लिखूंगा, इट इज ऑब्जर्व दैट फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, मतलब अब हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये तीन स्टेप पे, फोर्थ स्टेप मतलब इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो तो अब इसके बाद हमारा था, हमें चार क्या फाइंड करने, उसके कॉर्नर पॉइंट। तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। चलो तीसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, तो तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये है। तो चार कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड करेंगे, चार कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो क्लियरली ये तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स हमारा क्या है बता, 120, और वाई क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एरो करके बता रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा कम पड़ रही है मुझे,
ये 20.0 मेरा एक कॉर्नर पॉइंट, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, तो 40.0, यस परफेक्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ये मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, तो ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, तो ये इंटरसेक्शन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 200 और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू 40 का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब उसमें एक्स मेरा क्या रहेगा 40, क्योंकि एक्स फिक्स है और एक्स की वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट करूंगा 40 तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 160, तो मेरे पास यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया। सिमिलरली अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना चाहूँ ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, तो उसमें एक्स तो 20 फिक्स है, तो मैं इसके अंदर पुट करूंगा कि वो भी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो फिर से वही एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इसका ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर यहाँ पुट करूँ तो वाई मुझे क्या मिलेगा 180, तो मुझे ये चार कॉर्नर पॉइंट मिल गए। तो अब इसके बाद करना क्या है, कॉर्नर पॉइंट मिलने के बाद तो हमने देखा ना स्टेप्स, कॉर्नर पॉइंट को मार्क करो, मार्क करने के बाद उसका एक टेबल बनाओ। चलो अब इसका टेबल बनाएंगे हम, तो टेबल में क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स दैट मींस वर्टाइसिस, ओके, और यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू किसकी, तो जेड इज इक्वल टू हमें जो दिया है वो 400x प्लस 300y, ओके, मतलब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है ना, हाँ सॉरी मैक्सिमाइज करना है इसको, यहाँ पर क्या आएगा मैक्सिमम मैक्सिमाइज, बस ये हमें टेबल बनाना है, यहाँ पर उसके कॉर्नर पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिखेंगे, तो कौन से कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास, है एक तो 20.0, दूसरा है 40.0, तीसरा हमारे पास है 20 180 और एक है 40 160। चलो ये मुझे चार मेरे कॉर्नर पॉइंट मिल गए, अब चार कॉर्नर पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन पॉइंट को इसके अंदर पुट करना स्टार्ट करूंगा, तो वाई जीरो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं 20 पुट करूँ तो क्या होगा 8000 हो जाएगा, अगर 40 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 16000 हो जाएगा, अब 20 यहाँ पर 20 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8000 प्लस 180 यहाँ पुट कर रहा हूँ 180, तो 18 × 3 18 दीज आर 54 और 1 2 3 0 54000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62000, ठीक है, और सिमिलर वे अगर ये 40 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 16000 और ये यहाँ पर 160 है तो 16 × 3 48000, दोनों को ऐड करो तो 4 4 5 5 50 64 हो जाएगा 64000। अब ये तो बाउंडेड रीजन है यहाँ पर, तो हमें तो कुछ करना नहीं, यहाँ पर इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये मैक्सिमम वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो लास्ट में खाली क्या मेंशन करना है हमें, क्या लिखना क्या है इसके अंदर, तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी हो जाएगी 64000, एग्जाम्पल खत्म, बस इतना ही काम करना है, ओके तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप कि अच्छे से आपने इसको समझ लिया है कि सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है वो डेटा को मेंशन कर लो, किसको मैक्सिमम या तो मिनिमाइज करना है, कंडीशंस क्या दी है वो ध्यान से देख लो, हर एक कंडीशन को प्लॉट करते जाओ और देखते जाओ रीजन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है उसको खाली देखते जाओ ऑब्जर्व करते जाओ, उसके बाद सब रीजन मतलब जितने भी कंडीशन है सब कंडीशन ड्रॉ हो जाए उसके बाद कॉमन रीजन फाइंड कर, ठीक है, चलिए अब हमारे पास, और उसके बाद क्या करना है, तो आप ऑब्जर्व कर लो कि आपका रीजन जो है वो कैसा है, बाउंडेड की अनबाउंडेड, बाउंडेड है तो ये कॉर्नर पॉइंट जो भी हमारे आए चार, मतलब जो रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट एंड पॉइंट वो यहां पर एक कॉलम में लिख के वो सब वैल्यू जेड में पुट करना इसके अंदर, ओके इसमें पुट कर लेना, और उसके बाद उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट, सिंपल इतना काम आपको करना है, और वो कौन से पॉइंट पे आई मैक्सिमम एट पॉइंट, वो पॉइंट भी मेंशन कर दो जो ग्राफ का था कौन सा, ये वाला ये पॉइंट, ओके, तो एट पॉइंट क्या हो गया 40 160 डन, तो इतना हमें काम करना है, हो गया। चल अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो इसके अंदर और एक एग्जांपल में आपको यहाँ पर
अब ये एक और एग्जाम्पल है, उसमें क्या बोला हुआ है, तो उसे बोला है सॉल्व एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज, मिनिमाइज करना है किसको, जेड इज इक्वल टू 5x+7y, इसको मैं डायरेक्ट वन बोल रहा हूं, ओके। और कंडीशंस दी है आपको, कंडीशंस यहां पर हमारे पास है 2x+8y इज ग्रेटर इक्वल टू 8, x+2y इज ग्रेटर इक्वल टू 10, एंड x, y ग्रेटर इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम दी है, ओके। तो ये जो पूरी इनइक्वालिटीज वाली पार्ट है उसको मैं नंबर 2 दे दूंगा, और हमें क्या करना है, कंडीशन को स्केच करना, स्टार्ट करना है। चलो तो कंडीशन को स्केच करेंगे, मेरे भाई बताया अभी कि वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, अगर ना हो तो समझ लेना वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस, एंड यहां पर हो जाएगी वाई एक्सिस, ओके। चलिए होगी वाई वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे यहां पर, तो ये होने के बाद चलो अब हम प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। सबसे पहला क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब एक्स एंड वाई दोनों 0, मतलब क्या होगा, देखो ग्रेटर इक्वल टू, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 टू, ये अलग अलग वैल्यू स्टार्ट हो रही है मेरी, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब यहाँ से कौन सा पार्ट आएगा, राइट एंड हाफ आएगा पूरा, और वाई ग्रेटर 0 मतलब ये हो जाएगा, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ये पूरा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, क्या हो गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ओके। तो खाली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करना है, बराबर। तो चलो एक तो हमें पता चल गया ये वाला। अब हमारे पास दो अलग अलग लाइन है, क्या बोला, 2x+y = 8 करके हम ड्रॉ करेंगे, और दूसरी है मेरे पास x+2y = 10, उसके ये लाइन को प्लॉट करने के लिए इसके मुझे 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। चलो वो 2 पॉइंट कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग, जो मैंने आपको अभी बताया था, x 0 पुट करो तो मुझे y क्या मिलेगा, 8, और अगर y 0 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा मेरा, 2x = 8, तो x = 8/2 मतलब 4। तो यहाँ पर पॉइंट्स मुझे कौन से मिल गए, 0, 8, x 0 था तब y 8 आया, एंड सेकेंड है 4, 4, 0, ये 2 पॉइंट मुझे यहां से मिल गए। अब इसके लिए फिर से वही x 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, तो देखो 2y = 10, तो y = 5, y = 0 तो x क्या मिल जाएगा, 10। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स कौन से हो गए, 0, 5, एंड सेकेंड पॉइंट इज 10, 0। अब यहाँ पर ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम मुझे 8 चाहिए वाई पे, y पे मैक्सिमम 8 चाहिए, और x पे यहाँ पर मैक्सिमम 10 चाहिए। यहाँ पर जब स्केल लेंगे तो दो दो का स्केल ले सकते हो, या तो आप एक एक का स्केल लोगे तो कोई इशू नहीं, मैक्सिमम 10 तक ही जाना है, x पे 10 और y पे 8 तक ही जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिमिलर वे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, 11, 12, 13, डन। चलो तो हमने वो आपके पास ग्राफ तो रेडी है, उसमें आपको खाली स्केल देना है, बराबर। तो डार्क लाइन है उसको स्केल दे दो 1 1 1 का, ओके 1 सेंटीमीटर, इसको 1 ले लो। चलो अब यहाँ पर क्या प्लॉट करेंगे, पहले ये 2 पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0 8 4 0, तो 0 8 कहाँ पर आएगा, सॉरी 0 8 आएगा यहाँ पर, और 4 0 मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा 4 0, तो इसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ट्राई करेंगे कि स्ट्रेट आए। चलो समझ लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से टेढ़ी हो गई है, तो ये लाइन का नाम क्या था, 2x+y = 8, तो ये हो गई 2x+y = 8। अब क्या बोला है यहाँ पर, हमें बोला है 2x+y > 8 बोला है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू मतलब क्या, तो इस लाइन से बाहर का पार्ट, ग्रेटर मतलब ये पूरा पार्ट बोला हुआ है, ठीक है। चलो तो इतना तो इससे समझ में आ गया। अब दूसरी लाइन कौन सी है, x+2y = 10, मतलब 10 0 एंड 0 5, तो 0 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, ये रहा 0 5, यहाँ पर लिख देते हैं 0 8 एंड 4 0। अब ये है 0 5 एंड मुझे लेना है 10, 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर है,
ओके okay, अब इन दोनों को मुझे प्लॉट करना है अच्छे से ध्यान से। सीधा जाएंगे ताकि गलती ना हो, अच्छा लगे थोड़ा, बराबर है। चलो ये लाइन कुछ ऐसी जा रही हो, थोड़ी टेढ़ी हो गई, वेट। चलो ओके okay, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, समझ लेना है। दिस स्ट्रेट लाइन, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10। चलो ये मेरे पास हो गई लाइन रेडी। चलो लाइन इज इक्वल टू 10। अब इसमें भी क्या बोला है, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, मतलब इससे बड़ा पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ से सब कुछ आएगा ये पूरा। पर अब हमें क्या कर रहे हैं, दोनों का कॉमन रीजन ड्रॉ कर। और तीसरी चीज तो हमें पता ही है पहले से, सबसे पहले हमने देख ली थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके तो इन दोनों का कॉमन रीजन कितना बना, तो यहां से लेके ये पूरा रीजन कॉमन हो गया दोनों का। तो ये आपको ऐसे शेडेड पार्ट बता देना है, आपके पेंसिल से इसको शेड कर डालो, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये आपका हो गया। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो कि आपका ये फिजिबल रीजन, जो शेडेड पार्ट कॉमन रीजन आया, वो कैसा है, बाउंडेड कि अनबाउंडेड। ऑब्वियस अनबाउंडेड, यहाँ से कहाँ तक, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनबाउंडेड रीजन हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है। ठीक है चलो, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो हमने देखा था, अबे तीन स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप भी करेंगे, चलो तो कोई बात नहीं, हमें याद ही है। तो पहले हम ये कॉर्नर पॉइंट मार्क करते हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये, तो तीन हमारे ये कॉर्नर पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट का तो वैल्यू पता है 0.8, इसका भी हमें पता था 10.0, पर ये हमें पता नहीं है, मतलब ये क्या हो गया। तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम पहले वो फाइंड करेंगे, क्योंकि इसकी कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो ये है दो लाइन, कौन सी लाइन है इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, तो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब आपको सबको पता है क्या कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो माइनस ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा 2, ये बन जाएगा 4, ये होगा 20। चलो तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट, इसमें से माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, तो ये y क्या हो जाएगा आपका 4, y क्या बन जाएगा 4, y की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर लो, तो आपको x क्या मिल जाएगा, देख लो आपका x क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो माइनस, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ओके रेडी, क्योंकि 8 माइनस 4 दैट मींस 4, दैट 2 से डिवाइड करो 2, तो x की वैल्यू आपको मिल गई। तो हमें पॉइंट कौन सा मिल गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2.4। चलो ये हमें पॉइंट मिल गया, ये हमें अपने कॉर्नर पॉइंट मिल गए, ये हमारा एक एक्स्ट्रा खाली रफ वर्क था। तो हम यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, टेबल। इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल। यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, दैट मींस हमारे वर्टाइसिस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड इज इक्वल टू, जो दिया था वो क्या है, 5x+7y, उसको क्या करना है, मिनिमाइज। ओके चलो, तो यहाँ पर हम उसका प्लॉटिंग मतलब टेबल बनाएंगे। ठीक है चलो, अब यहाँ पर हमारे कॉर्नर पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे, वर्टेक्स 0.8, दूसरा कौन सा आया 2.4, एंड थर्ड क्या था, तो 10.0। चलो डन, ये हमने कर लिया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे जेड के अंदर, जेड में पुट करना स्टार्ट करो, तो 0.8, तो ये 0 और ये 8, तो 7 × 8 56 हो जाएगा। उसका 2.4 पुट करो यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर पुट करो, 4 यहाँ पर पुट करो, तो ये होगा 10, ये होगा 28, तो टोटल हो जाएगा 38। सिमिलर वे अगर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 10 0, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 50। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, ये रही ये मिनिमम, बट ये मिनिमम रहेगी या नहीं रहेगी, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा अनबाउंडेड वाला रीजन। मतलब हमें अब क्या ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको आगे बताया था, फिर से मैं ले जा रहा हूँ, जब वही टेबल पे ये रहा कि अगर अनबाउंडेड है, तो
तो आपको देखना है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू बोला है कि मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर बोला हुआ है मिनिमम, मिनिमम की बात कर। तो जब मिनिमम बोला है तो हमें कौन सी लाइन प्लॉट करनी है, तो जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, तो उसके लिए लाइन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम, ये लाइन हमें प्लॉट करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे अब इस एग्जाम्पल के अंदर, ध्यान से देखिएगा। तो हम करेंगे नाउ प्लॉट 5x+7y <less than 38, क्योंकि ये मिनिमम है। अगर ग्रेटर देन की बात की होती तो हम क्या ड्रॉ करते, 5x+7y <greater than 56 कर दे, ये वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती। ठीक है, पर अभी यहां पर बात हुई है मिनिमम की, तो ये आएगा नहीं। अब इसको प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, तो प्लॉट तो उधर ही करना है हमें, जो हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ है इसके अंदर ही करना है। बट वो कहां पर आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास भले ही इनइक्वालिटी दी हुई हो, हम पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वल करके ही पॉइंट फाइंड करेंगे। चलो फिर से वही, जब एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, मुझे वाई क्या मिलेगा, 38/7, मतलब 5.4 समथिंग आएगा। ओके, 7 5 35। ओके, अब मैं वाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये 0 तो 38/5, दैट मींस अगर मैं इसे 7 5 जा तो 5 7 जा तो 7.6 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, बचेगा हमारे पास 3 3 एंड 0। ओके, तो 30 एग्जैक्ट है 7.6। तो पॉइंट्स कौन से मिल गए मुझे यहाँ पर, मुझे पॉइंट मिले 0.5.4 समथिंग है, तो 5.4 मैं ले रहा हूँ, एंड दूसरा आया 7.6.0। इसको प्लॉट करते हैं, 0.5.4 कहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, 5.4 है, मतलब कहाँ आएगा, तो ये 0.5 था, 5.4 उससे थोड़ा ऊपर रहेगा यहाँ पर कहीं, ये मैंने प्लॉट कर लिया। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पॉइंट है 0.5.4, डन। अब क्या बोला हुआ है मुझे, 7.6.0, मतलब वो कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे, 7 मतलब ये 4 5 6 7.4, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। ये मेरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 7.6.0, 7.5 से थोड़ा आगे। अब इस लाइन को ज्वाइन करना है, तब देख लो ये जो मेरा कांटेक्ट पॉइंट था 2 4, वो तो 38 है, मतलब ये लाइन इसके अंदर से पास होगी, मतलब लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो इस यहाँ से इस पॉइंट में से पास होती हुई यहाँ से जाएगी, ये मेरी लाइन बन गई। कौन सी लाइन बन गई, 5x+7y, 5x+7y इज इक्वल टू 38 लाइन हो गई। अब ध्यान से आप देखो, तो मैंने आपको आगे बताया था कि ये प्लॉट करने के बाद हमें अब देखना है दो चीजें कंक्लूजन में, कि उसके अंदर ये जो प्लॉटिंग किया वो उसके अंदर और हमारा जो रीजन है फिजिबल रीजन उसमें कुछ कॉमन है, अगर नथिंग इज कॉमन तो जो आपका मिनिमम है वही आपका मिनिमम रहेगा, और अगर कुछ समथिंग कॉमन है तो कोई सॉल्यूशन रहेगा, मतलब क्या लिखना है, देयर इज नो सॉल्यूशन, सिंपल इतना काम करना है। तो हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर कुछ कॉमन है या नहीं, तो अब क्लियरली दिख रहा है कि ये लाइन तो यहां से जा रही है ऐसे, और रीजन तो मेरा ये है, तो इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, खाली यही पॉइंट है 2 4, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, मतलब ये जो 2 4 था वन, मतलब उसके लिए जो आया था 38, वही मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन, किसके बीच में, तो हमारा जो फिजिबल रीजन आया वो, एंड कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की, तो 5x+7y इज इक्वल टू 38। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 38 एट कौन से पॉइंट पे, इज 38 एट कौन से पॉइंट पे, तो 2.4, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस इतना काम करना है, तो लिखने में क्या क्या लिखना है चीजें समझ में आ गई सब लोगों को बराबर, तो ये हमारा आज का टॉपिक था और उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल इसका कर सकते हो, उसके लिए सिंपल इतनी चीजें आप याद रख लो कि आपको जिसका मैक्सिमम एंड मिनिमम करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और जो इनइक्वालिटीज दी है वो आपकी कंडीशंस है।
ये दो चीज आपके पहले दिमाग में हो जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो आपकी जो इनइक्वालिटीज है उसके ऊपर से प्लॉटिंग करो, बराबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेडी करो, और उसमें जो भी कॉमन रीजन है उसको क्या करो, सेड करो। तो कॉमन रीजन सेड करोगे तो आपको आपका रीजन मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन मिल जाएगा। अब वो रीजन दो टाइप का हो सकता है, या तो बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो, या अनबाउंडेड है तो भी दोनों के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, तो उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मींस हमारे वर्टाइसिस है दैट, उसको या तो मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, जो रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स, उसको हमें क्या करना है, प्लॉट मतलब मार्क करना है, तो उसको मार्क कर लो। उसके बाद उसके ऊपर से एक टेबल बनाओ, कॉर्नर पॉइंट टेबल, मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके जो वैल्यूज मिलेगी उसका एक टेबल बनाओ। उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम नोट डाउन करो, जो मिनिमम होगी उसको मिनिमम नोट डाउन करो, कि कौन मतलब मिनिमम या मैक्सिमम में से किसको नोट डाउन करेंगे जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर ऑप्टिमाइज दी प्रॉब्लम ऐसा बोला हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन करो, तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों चीजों को यहाँ पर मेंशन करना। यहां तक तो दोनों में कॉमन हो गया, पर अगर रीजन बाउंडेड है तो हमारा काम एकदम आसान हो जाता है, कि रीजन बाउंडेड है तो सिंपल, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, और अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम होगी वो मिनिमम हो जाएगा, काम खत्म। पर अगर रीजन अनबाउंडेड है जैसे यहाँ पर दिखाया आपने, तो हम क्या करेंगे, तो ये फोर्थ वाला पार्ट, अगर मिनिमम है तो पहले तो यहाँ पर आ जाओ कि ये दो चीज मैंने बोली, अगर मैक्सिमम होता और अनबाउंडेड के अंदर तो ये चीज करते, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम लिखते, और ये ए एक्स प्लस बी वाई कहाँ से लेना है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड इज इक्वल टू यहाँ से लेना है, ठीक है, और उसको प्लॉट करना है, और अगर मिनिमम है तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम को प्लॉट करना है, ठीक है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये मैं एक्स्ट्रा सब चीजें निकाल रहा हूँ, ठीक है, चलो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हमें करना है, हमें इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो फिजिबल रीजन आया वो एम, मतलब जो हमारे पास था फिजिबल रीजन वो, एंड जो हमने प्लॉट किया नया, ये दोनों में कॉमन कुछ है या नहीं। अगर कुछ कॉमन है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नथिंग, नो सॉल्यूशन हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन एट कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सॉल्यूशन की, ठीक है। पर अगर कुछ कॉमन पे नहीं है, लाइन मतलब रीजन से कुछ अलग ही जा रही है, कहीं और जा रही है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा मिनिमम आंसर, और जो अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम होगी वही हमारा मैक्सिमम आंसर, सी ओके। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज समझाई ग्राफ से, कि हमारा जो नेक्स्ट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अनबाउंडेड रीजन था तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया जेड लेस देन 38, ठीक है, और उसको हमने प्लॉट किया, वही प्लॉट उसके अंदर ही प्लॉट करना ताकि पता चले, अलग से नहीं प्लॉट करना, ठीक है, तो इसके अंदर प्लॉट किया तो ये लाइन जा रही थी, अगर मैं उसको थोड़ा सा डिजाइन कर दूं तो आइडिया आएगा, ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाली, ये लाइन, ठीक है, या आप ऐसा मत करना, पर ये मैं आपको दिखाने के लिए, ये लाइन नहीं हमने जो ड्रॉ की वो अनबाउंडेड के लिए, ओके। और उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, एक ये पॉइंट ही कॉमन है, नथिंग इज पॉइंट अदर देन दिस पॉइंट, तो 38 ही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, मिनिमम आंसर इज 38, क्योंकि उसके अलावा कुछ कॉमन में नहीं है, उसके अलावा और कुछ कॉमन में होना नहीं चाहिए, बस इतना। तो ये था हमारा आज का लिनियर प्रोग्रामिंग सेशन, जिसके अंदर आपको आइडिया आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन हियर, ओके, बिकॉज इसके अंदर और कुछ वैरायटी नहीं है, बस आपको खाली यही काम करते रहना है, कोई भी सम पूछा है बस फर्स्ट ये दो स्लाइड को फॉलो करिए, बस और कुछ नहीं, ओके, इतने ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह ये समझ लिया, उसके बाद ये समझ लो, और तीसरी चीज ये समझ लो, ये तीन स्लाइड को अच्छे से फॉलो करो, आप कोई भी एग्जाम्पल इसका सॉल्व कर पाओ, ठीक है, ओके। तो इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, देयर इज नो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस, विल मीट सून फॉर विद नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू।